एक जहाज के लिए सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर जहाज का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, जहाज डूबने लगे या जहाज में एक ऐसी आग लग जाए जिससे छुटकारा पाना इम्पॉसिबल हो जाए, तो हम उस केस में क्या करेंगे? आप सोच रहे होंगे बीच समंदर में जहाज डूब रहा है तो कर ही क्या सकते हैं, तो आइए मैं बताता हूँ। मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं एक इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर हूँ और आज बिना जहाज पे D-65 है। हर शिप में होती है ऐसी दिखने वाली एक लाइफ बोट जो ऐसे ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बनी होती है। कार्गो शिप पे इसकी कैपेसिटी 40 से 50 लोगों की होती है और क्रूज शिप पे ये और भी ज्यादा हो सकता है, डिपेंड की उस पर कितना लोग एक साथ सेल कर रहे हैं। लाइफ बोट में बैठकर जहाज को अबैंडन करने का कमांड सिर्फ कैप्टन दे सकता है और कैप्टन जब तक यह कमांड अपने मुंह से बोलकर न दे, हम जहाज को अबैंडन नहीं कर सकते हैं। यह लाइफ बोट बहुत ही कमाल की चीज है। टैंकर जहाज पे इसकी डिजाइन ऐसी होती है कि अगर पानी में तेल भरने से आग भी लगी है तो इसको हम विदाउट एनी प्रॉब्लम लॉन्च कर सकते हैं। बीच समंदर में सर्वाइवल के लिए इसमें सारे आइटम्स अवेलेबल होते हैं, जैसे इस लाइफ बोट को चलाने के लिए 24 घंटे का तेल, सारे क्रू के लिए 3 दिन का खाना पानी और इमरजेंसी सिग्नल भेजने के लिए सारे डिवाइसेस। लाइफ बोट के इंजन, बैटरीज और अदर इक्विपमेंट्स का वीकली इंस्पेक्शन करना ETO का काम होता है।